ये मोरे का ढोल ढोल का ये साले गाड़ी वाला भागा थे रा साले ते भाग हॉस्पिटल लेके छोड़ के भैया भैया का हेलो हाँ सर सर एक्सीडेंट हो गया सर तुरंत आना सर हाँ हाँ सर तुरंत आओ सर तुरंत तुरंत हाँ चल दाई पूरा काम करे है बच्चे हवे अब करे नहीं हो कुछ काम ला अब ये लक्की के पापा आवे टुरा हाँ पता नहीं कहाँ गए हैं दिखत नहीं अभी तक ले महू ला काम को तम जाना रही थे एकदम से टाइम हो जाई अब कुछ चीज पर कही था तो चिल्ला थे कि ही चीज ला मन समझा नहीं अम्मा मई हाँ चल ला का चीज ला करा खाना बस बनाया अभी घर के कुछ काम भी नहीं हुआ है आ जाती सो टुरा जल्दी नहा दो कि स्कूल जाना रही थी ऊला तो नहा दो कि स्कूल चल देती खाना वाना दे देते तो खा लेती कुछ चीज ला नहीं समझे करे भाई एकदम से का चीज ला कहा मैं चल गा घरों डहन जान दे ओकरो काम धंधा जाए टाइम हो गए हैं मुहिल चिल्ला थोड़ी वो का है ना संगवारी घटान थोड़ा से 10 मिनट बैठ के वो ना जी बात में नहीं समझे करे जेती बार मोला काम बता में जाना रही थे पूरा घर के काम पड़े अभी कुछ काम ना नहीं करे और अंधाए बस हवे अब ता हमार घूमत हवस अब टुरा हवा तक तको घूमत हवे अब चिल्ला मत ना अब का हो गए भैया कन बैठ पड़े हो ता अब ते काम बोता नहीं हो के किधर तोरो काम में जाए के टाइम हो गए लेन में बैठे बैठे बटकी भाड़ल में हम मान दू डरते फिर रात का पान के थोड़ी होती कुछ काम ला नहीं कर सकत तो मैं कहत रहा हूँ की जल्दी से मस्त घर में रहता नहा धो लेता तो तुम अल्लाह खाना पीना दे देता तो हम मैं अपन फुर्सत है चल देते हूँ अब ले ना धीर लगा के मैं निकाल के खा पी लू धीरे धीरे करके धो मान भी तू सुन ना एक कान चाय गरम कर देते बिहनिया के चाय बनाया बनाया ठंडा हो गया है अब फिर तोर पर आगी लग जो रहा बारह तो फिर चाय गरम करो ला के दो तो ला एकदम से एक तो आधा सीसी हवा उमर एकदम से लेट लपेट करत रही रोज न ठेकेदार की गाली खाता तू हर वजह से हो गए ना मत चिन्ह लेना भाई जानेगा मैं जात हूँ कैसे जी हाँ तोर बिना तही हाँ बताना कैसे जी हाँ तोर बिना तही हाँ बताना मर जाऊँ वो झन छोड़ बे संगला मर जाऊँ रे झन छोड़ बे संगला अरे पगली मैं अपंग हो का होगे अपंग होते का होगे लेकिन तोर बर मयत मोल लगे रही थे ले भाई तोर काम धाम है टाइम हो गए ले जा हाँ। ले जा हाँ। ले चल ठीक है फिर मैं जाता हूँ मैं चाल पे ले हाँ हाँ कहाँ गए रहे बेटा लक्की ते घूमे गए रहे गली कति तो स्कूल नहीं जावस रे नहीं जाओ काबर नहीं जावस चप्पल नहीं है मकन गढ़ थे कीला उला से ले ना बेटा जाना है बेदरी का हफ्ता पहुंच ले धरे तुम चप्पल नहीं जाओ जा ना बेटा काबर जिद्दी करते रे अरे सुन तब का हो गए अब वो चप्पल कहा थे ले देबे अब मोरो ए लकड़ी बैसाखी है बने असन मोरो पर एक कठन बैसाखी ले देते चले वाले पर दुख तकलीफ होते वो लेवा जी आप मन चिंता मत करो अब इधरी के हफ्ता मिली ना तो एक बार चप्पल ले दहा आप मन बर बैसाखी में ले दहा हाँ, हाँ, हाँ। अब अभी मैं काम में जाता हूँ बेटा जाबे तो जा रहे स्कूल जाबे ले हाँ, चल देबे ना अब खाना उना खा लेबे हाँ। हाँ, मैं जाता हूँ ठीक हाँ ले जा बाबूजी अरे ये निकालते हो ना तह कहाँ जाते की तो काम में जाते सुन इतना सुंदर हट का है वो है और तो खोरवा का ना कहाँ पनते जिंदगी बितावे मोर पास रे पगली सुन सब चीज है हर चीज है कुछ के कमी नहीं है तो रानी बना के दिन में बिठा के रखा रे पगली एक बार तो हाथ तो कही और खोरवल माँ कसम चाहिए लेडिंग लेडिंग लगते ते कर पापा इतना सुंदर जिंदगी लग का तक खराब करत है सबसे पहली तो अपन जवान ला संभाल के बात कर है ना मैं तोला देवर जी कहा था अरे सुन बेटा अरे मैं तो जब भी देखन मोर दिल में कुछ कुछ होए लगते रे पगली एक बार हां कही तोर पर तो खोरवा पर मैं भाई साकी तीन चक्का ऐसे वाला स्कूटी ले दूं तो एक बार हां तो कही दे बस तो बार बार मोर पति ला खोरवा कह के ना ओखरा उ बेइज्जती मत कर समझे अरे सुन ना का समझता है अपन आप दी जाई अपन हाथ तो संभाल के रख समझे ना तो आज मोल मारे है और सोच लेता है तो कहीं ग्रहण नहीं दूं
सुनना तो कहीं कर नहीं था तोरे वो सालक ते जहां काम करते वहां जाना था अगर तोर काम मिल नहीं बंद करवाए तो मोर नाव नहीं समझ गए अरे तो कहीं कर नहीं था जब तक वो खोरवल नहीं छोड़बे ना लड़ेंग लड़ेंग करते ते करते ते ना तोला ना वो देख ले मैं ते जान बार बार मोर पति मारे ते ना वो खोरवा है ना तो मोर अरे तोर में पैसा मरे पगली तोर में का तोर पर सोचते ते मोर ले का एकदम गंदा गंदा मोर मार दे यार तोर में पैसा मैं बिल्कुल ऐसे करके एकदम बिल्कुल सोहा वो जा पे जान जा आ तुम मार बिल्कुल ओला ना आता है का है बिल्कुल काम मत रखबे काबर तोला यहाँ काम करना है मोर एरिया में ये बिल्कुल मोरे यहाँ काम है सरपंच में और यहाँ बिल्कुल ता काम उमना बिल्कुल बोला रकबे मत बता तो काम करना की नहीं करना बता करना ना सरपंच साहब करना हाँ तो का है बिल्कुल और रकबे मत अगर पैसा देवे तुरंत ओकर हिसाब करके भेज देवे ठीक है ठीक है हाँ हाँ सर छोटे हेलो अरे क्या हुआ भैया मेरे रेती गिट्टी का आप गिरा नहीं अभी तक के अरे मेरे को बहुत जरूरत है भैया यहाँ काम चल रहा है अब ऐसा लापरवाही करते हो तो क्या तुम्हारा तरीका है इतना टाइम तुम काम में आ रही हो 11 बज रहा है अब तय तो जानता मालिक मोर घर में कतका घन काम रही थे मोर पति है कुछ नहीं कर सका है और मोर बेटा ला मैं नहा धोवा क्या हूँ स्कूल जात करे देखो मेरे को वो सब चीज नहीं मालूम हर किसी के घर में तकलीफ होता है हमारे घर में भी तकलीफ है लेकिन हम अपने काम के प्रति इतना लगाव है ना कि हम जल्दी आ जाते हैं एक काम करो ये अपना तुम पैसा रखो नहीं मालिक ऐसे मत करना नहीं 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 ये तुम अपना पैसा रखो मैं तुमको नहीं मालिक नहीं मुझे माफ करो अरे नहीं 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 आप मुझे माफ करो मैं आपको काम में नहीं रख सकता कि आप पैसा रखो आप घर जाओ मैं कहाँ जाऊँ मालिक मोला अरे बहुत सारा काम है बहुत सारा काम है कहीं भी आप रह सकते हो लेकिन मैं आपको काम में नहीं रख सकता नहीं मालिक रोज रोज का तुम्हारा मत निकाल मालिक अरे नहीं 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 जाओ आप जाओ मैं कहाँ जाऊँ मालिक फिर मैं कहाँ हाँ साहू जी आप लाओ ना आटरा की लगा भगवान मैं कहाँ जाऊँ स्कूल काम निकेश बेटा निजास का बन निजास बेटा तबीयत खराब हो गई तोर तबीयत खराब हो गए ले बेटा माँ का माल गए है बंडल भैया जय श्री राम जय राम सुनना हाँ ये भौजी कहाँ जाते काम मगर भाई के कहाँ जाएगा आए अब मैं अपंग हो गए हूँ ओते एक दिन ले लोग लड़का बाइल में पोसत पालत रहे हूँ अब मैं अपंग हो गए हूँ तो बनी भूति रेजा कुली काम में जाते रे भाई सुन ना भैया ओए ओ ना मैं आज गए हूँ इधर पर काम धर अच्छा। काम से गए रहे हाँ हाँ और ठेकेदार के वहाँ सस की कुठी आत रही से हाँ और ना एकदम भाई कब समझ ले इसमें लगते पर लटर पट रहा है ठेकेदार से हाँ अच्छा तो का है मैं बता ला दे अपन बाइल थोड़ा संभाल कर रख भौजी ला हाँ। कल तक खोरवा की तुल ना छोड़ के भाग मत जा अच्छा। तो लोग ले कहे तेका नाम से ना मैं बता ला दे भैया बुरा मत मान भाई हाँ। ठीक है भैया ठीक है भाई हाँ, बता काम बताना है ना चल 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 ठीक हाँ। है भाई अरे लक्ष्मी समझाते रहे हाँ। तो जहाँ लोग ले कल छोड़ के ते काय करत हस आए मैं सब जाना था ते आ ले ली घर में आ ले ली चुप बेटा चुप आ मैं कुछ भी कर रहा तोला क्या करना है का हो के मोर से ऐसे काबर बात कर रहा था अरे वैसे बात मत बोले कर समझे सब जानतो मैं सब जानतो सब जान अरे हाँ बहुत कुछ जानतो ते काय करते काय नहीं करस ते काम में जाके जा तो करके मोला सब मालूम है मोला मैं का कर था काम में जाता तो काम में उसको जाता जी कुछ तो नहीं करूं अरे हाँ तो ठेकेदार सन काय नहीं चक्कर है दिल में सब जानतो समझ गए मोर खोरवा लंगड़ा हो ना तेकर ते नजायज फायदा उठाथस समझ गए ऐसे कोई बात नहीं सब बात आके मोला वो चंदवा बर्मन है साफ बोली से वो ठेकेदार के सन ओकर साठ गांठ चलते ऐसे की के अच्छा बर्मन है बोली चंदवा खुद काम में जात रहे तो चंदवा बर्मन है आके मोला बीच रास्ता में छेड़त रही से और वही हमारे काम ला बंद करवाई सब तो ठेकेदार आज गए तो मोला पैसा भी दे दी से कह दी कल काम मत आबे की के
मैं ओखर वजह से ओखर सामने में कक्कर होए हम गिड़गिड़ा आप मतलब पता है कोई भी के बात में आ जाता जी आप मन मैं किसी भी विश्वास करो तेरे में पैसा भी लाया जी चार दिन काम करे रहे वो घर पैसा हो मोला दे दिए अब बाबू घर में चप्पल भी लेता हूँ आप मन घर बैसाखी भी लेता हूँ ए ले ये साले मुझे समझ में नहीं आते ये डेकी ऊपर विश्वास करो ते बर्मन ऊपर विश्वास करो कहा बताऊं तेसे लग गएगा अभी ये मुनी का घर यही है ना हां मुनी का घर यही है ते कौन है ते कैसे आज कहां नाम है तो कौन नाम रही थे कैसे ढंग के मोर घर में आज अरे मैं उसका ठेकेदार हूं घुट बेटे घुट 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 सावन नहीं तो मैं अपंग होते करे नहीं तो लौड़ी लौड़ी बजा रही तो समझ गए अरे मेरे को क्यों मारोगे तुम अच्छा अच्छा मोर भाई सन तो का चक्कर है तेल में सब जाना तो मोल एक एक चीज के खबर बताई से समझ गए कौन बताया तुमको क्या चक्कर है अरे तो सन चक्कर है मोर भाई से सारा दिमाग से पैदा है क्या बताइए पागल कुत्ता काट देगा देखो किसी को भी कोई कुत्ता काटे अरे बोला बर्मन बताई से ठेकेदार के साथ तुर भाई के नजायज संबंध है करके एक मिनट बर्मन यहाँ का सरपंच हाँ वो बताई से बोला अरे सर देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या मैटर हुआ है हाँ। वो मेरे पास में आया हाँ। ठीक है हाँ। और मेरे को चमकाया पहले हाँ। वो मेरे को बोलता है तुमको यहाँ पे काम करना है हाँ। तो मुनी को काम से भगा दो हाँ। ऐसा बोल के मेरा कलर पकड़ लिया था ऐसे के लिए मैं उसको पैसा दिया हूँ और उसको मैं बोला हूँ कि तुम चले जाओ मत आना बोल के फिर मैं सोचा कि इतनी अच्छी लड़की को मैं भगा बोल के पश्चाताप हुआ है हाँ। इसलिए मैं फिर उसको बुलाने आया हूँ कि भाई तुम कल से काम में आना बोल के और कहा है मोनी मोनी वो तुमसे कोई गलती नहीं हुआ है कल से तुम काम में आना सही मा? हाँ वो तुम्हारा यहाँ का वो क्या नाम है उसका बर्मन सरपंच है ना वो मेरे पास में आके कैमरे को भड़का रहा था तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा है ऐसा बोल के ना इसीलिए मैं थोड़ा सा भड़क गया था ठीक है और फिर मैं टेंशन में भी था तो तुम कल काम से आ जाना कल सर इनको काम में भेज देना रुक जा वो बर्मन के नंबर है मोर कर अभी दूध के दूध पानी पानी हो जाए मैं फोन लगा दू तुरंत ही मोर नाम लगा हेलो बर्मन हाँ डंडल भैया एक कन घर तरफ आते हो तो आप मन का चीज पर नहीं तुरंत तत्काल काम है भाई जल्दी आओ तो सही हाँ हाँ चल आते रुक 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 चलो आप बैठो कहाँ है क्या भाई इतनी आई थी भैया कस बाबू मैं लंगड़ा खोरवा होते करते नजायज फायदा उठाए ना जलन हो गए ना बाबू ते हम जहर मौरा दे के मार समझ गए गलती हो गई भैया गलती हो गई लेना लेना भैया आज के बाद इसने कोई भड़काऊ का गलती हो गया आज के बाद से कोई ऐसे करे स्कुराज तो मैं ठीक नहीं हुई मोर से बारह नहीं बची भैया छोटे छोटे आज के बाद ये पहला चांस है अगर आऊ ऐसे हो तो मैं रिपोर्ट विपोर्ट करवा दू बदला दे अगर सरपंच साहब आपका इस गांव में इज्जत है गलती व्यवहार है उसको आप बना के रखिए किसी को ऐसा परेशान मत लीजिए चलो ठीक है काम में जाइए आज के बाद कल से काम में आप आ जाना ठीक है सर नमस्ते मैडम अपना ढोल ढोल है हाँ ढोल ढोल एल आई सी से आई हूँ तो कहोगे मैडम देखा था जी भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है क्लियर हो गया मैं निकल रहा हूँ कल से काम में आ जाना ठीक है ठीक मालिक अब कैसे करबू जी अब तुमने बताओ
अब काम धाम करे के कोई जरूरत नहीं है। हाँ। बढ़िया धंधा पानी दुकानदारी काम करबो। हाँ। सुखी सुखी जीवन यापन करबो। हाँ। ले चलो तो घर में खाना वाना खाओ। हाँ। प्रेम से चल रे बेटा। ले चलो चला।